हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में पिछले 10 महीनों के जो सबसे इम्पॉर्टेंट श्रद्धांजलियां हैं ओबिचुअरी, उनको मैं कवर करूंगा। लगभग 300 से 400 लोग हैं जिनकी डेथ हुई है जनवरी से अक्टूबर तक, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सिर्फ 50 से 60। वो मैंने सेलेक्ट कर लिए 10 महीनों के और वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया, ये कौन थे? ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। तो याद रखिए, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, माइकल अतैया। इनको फील्ड मेडल मिला हुआ था। जो लोग नहीं जानते, फील्ड मेडल को मैथमेटिक्स का, गणित का नोबल पुरस्कार बोलते हैं। दो पुरस्कार हैं, एक फील्ड मेडल और एक एबल प्राइज, उन दोनों को हम मैथमेटिक्स का नोबल प्राइज बोलते हैं। तो जो माइकल अतैया हैं, ये फील्ड मेडल जीत चुके हुए गणितज्ञ थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा सान्याल, ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की सीईओ थी, बाद में पॉलिटिशियन बनी, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा, लेकिन ये एक्सपायर हो गई। प्रकाश रैले, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है एक में, कि प्रकाश रैले का निधन हो गया, ये कौन सा खेल खेलते थे? ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैरम बोर्ड के खिलाड़ी थे। कैरम बोर्ड समझते हैं आप, आपने बचपन में कैरम खेला होगा। तो प्रकाश रैले जो है, ये कैरम खिलाड़ी थे। एक बार अभी एग्जाम में क्वेश्चन एक और आया था, अभी शायद महाराष्ट्र का कोई एग्जाम था, उसमें आया था कि डायरेक सिप्पी का निधन हो गया, ये कौन सा खेल खेलते थे? आगे बताऊंगा डायरेक सिप्पी के बारे में। सचिन तेंदुलकर के कोच रमाकांत अचरेकर का निधन हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर के जो कोच हैं रमाकांत अचरेकर, ये विनोद कांबली के कोच भी थे। केमिस्ट्री के नोबल प्राइज जीत चुके हुए वैज्ञानिक, जर्मनी के मैनफ्रेड ईगन का निधन हो गया। मैनफ्रेड ईगन, याद रखिए, नोबल प्राइज विनर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो केमिस्ट्री का नोबल प्राइज विनर जीता था मैनफ्रेड ईगन ने, और ये जर्मनी के थे। इनको 1967 में मिला था नोबल प्राइज। इंग्लैंड के गोलकीपर, क्योंकि वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इंग्लैंड के गोलकीपर थे गॉर्डन बैंक्स। गॉर्डन बैंक्स इंग्लैंड के गोलकीपर, इनका निधन हो गया। एक एक्टर थे बहुत फेमस, ब्रूनो गैंस। इन्होंने एक फिल्म थी डाउनफॉल, उसमें हिटलर की भूमिका निभाई थी, जिससे इन्हें वैश्विक ख्याति प्राप्त हुई। ये भी काल के गर्भ में समा गई, एक्टर ब्रूनो गैंस। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी बिल प्लायल, इनका निधन हो गया। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे बिल प्लायल। वीरेंद्र कटारिया का निधन हो गया, ये भारत के कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के गवर्नर थे? ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वीरेंद्र कटारिया। अभी कौन है? अभी हैं किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, वो आज के टाइम में पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कैली कटलिन जो है, ये साइकिलिंग करती थी, साइकिल चलाने की रेस में 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता था, लेकिन इनकी डेथ हो गई सिर्फ 23 साल की उम्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैली कैटलिन अमेरिका की थी। बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री एलन क्रूगर का निधन हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन हो चाहे बैरक ओबामा हो, इनसे एडवाइस लिया करते थे। तो ये क्वेश्चन आएगा, एलन क्रूगर कौन थे? ये थे अर्थशास्त्री। ब्रूस यार्डले का निधन हो गया, ये कौन से देश के क्रिकेट खिलाड़ी थे? ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर थे। और एक पाकिस्तान के स्पिन बॉलर हैं जिनका निधन हुआ है, अब्दुल कादिर। तो चाहे वो अब्दुल कादिर हो चाहे वो ब्रूस यार्डली हो, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। रशिया के बहुत बड़े अंतरिक्ष वैज्ञानिक वैलरी बाइकोव्स्की, ये खुद अंतरिक्ष में गए थे, याद रखिए, ये खुद अंतरिक्ष में गए थे, और ये 11वें व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, इनका निधन हो गया, वैलरी बाइकोव्स्की। सिडनी ब्रैनर का निधन हो गया, इन्होंने नोबेल प्राइज इन्हें मिला था किस क्षेत्र में? याद रखिए, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के लिए। एक नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिडनी ब्रैनर जो थे, इन्हें नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2002 में, इनका निधन हो गया। साउथ अफ्रीका की एक क्रिकेट खिलाड़ी थी एलरियसा थेन्यूएनसन फाउरी, ये नाम थोड़ा मुश्किल है याद रखना, आप इसको ऐसे याद रख लो ETF। एलरियसा थेन्यूएनसन फाउरी, सिर्फ 25 साल की उम्र में इनका एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो एक आएगा क्वेश्चन, एलरियसा थेन्यूएनसन फाउरी। मलेशिया के गोल्फ खिलाड़ी थे, बहुत ही अच्छे गोल्फ खिलाड़ी थे, एरी इरवन, सिर्फ 28 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हो गई।
सिर्फ 28 साल की उम्र में डेथ हो गई, मलेशिया के गोल्फ खिलाड़ी एरे इरवन। हीरा लाल यादव का निधन हो गया, ये कौन सी भाषा के गाने गाते थे? ये पद्मश्री जीत चुके थे, भोजपुरी सिंगर थे, याद रखिए भोजपुरी भाषा में गीत गाते थे हीरा लाल यादव, ये भी काल के गर्भ में समा गए। सबसे पहली महिला जिन्होंने नासा का एक एस्ट्रोनॉट टेस्ट पास किया, जेरी कॉब, उनका निधन हो गया। तो जेरी कॉब, पहले याद रखिए, अमरीकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको बोलते हैं नासा, वो महिलाओं को जाने नहीं देती थी अंतरिक्ष में, परंतु उसके लिए टेस्ट पास करना पड़ता था और कोई महिला इतनी हिम्मत नहीं करती थी उस टेस्ट को अटेम्प्ट करे, लेकिन जेरी कॉब ने ना सिर्फ अटेम्प्ट किया बल्कि पास भी किया। स्कॉटलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे कॉन्डे लैंग, इनका निधन हो गया सिर्फ 38 साल की उम्र में, कॉन्डे लैंग। एक महिला थी रमा सेन गुप्ता पॉल, ये कौन थी? ये थी पर्वतारोही यानी माउंटेनियर, और एक ओडिशा की जो पहली पर्वतारोही थी उनका निधन भी हुआ है, उनके बारे में आगे बताऊंगा। नोबल प्राइज जीत चुके हुए फिजिसिस्ट मुर्रे गैलमैन का निधन हो गया, इन्हें भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए 1969 में नोबल प्राइज मिला था। तो चाहे वो सिडनी ब्रैनर हो, चाहे वो मुर्रे गैलमैन हो, नोबल प्राइज जिन्होंने जीता है वो इंपॉर्टेंट है। ओडिशा की पहली महिला पर्वतारोही जिनकी मैंने अभी बात की थी कल्पना दास का निधन हो गया। मलेशिया के राजा सुल्तान अहमद शाह का निधन हो गया, मलेशिया के पूर्व राजा सुल्तान अहमद शाह पंचतत्व में विलीन हो गए। तीन बार फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन निक्की लाउडा, इनका निधन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीन बार वर्ल्ड चैंपियन थे निक्की लाउडा, इनका निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक, जरूर आएगा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक का निधन हो गया, यह क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में एक म्यूजियम है, दुनिया का सबसे फेमस म्यूजियम, जहां पे दुनिया की सबसे फेमस तस्वीर रखी है जिसे बोलते हैं मोना लिसा। मोना लिसा कहां रखी है? पेरिस के लूवर म्यूजियम में। और लूवर म्यूजियम के वास्तुकार कौन थे, यानी लूवर की जो शेप है पिरामिड, ये किसने बनाया था म्यूजियम? ये बनाया था IMPI ने। तो IMPI जो है इनका निधन हो गया। स्विमिंग चैंपियन भारत के सिर्फ 29 साल की उम्र में कार दुर्घटना में मारे गए, इनका नाम था MB बालकृष्णन। MB बालकृष्णन ये गोल्ड मेडलिस्ट थे बहुत बार दक्षिण एशियाई खेलों में, स्विमिंग चैंपियन थे, नेशनल चैंपियन थे MB बालकृष्णन, सिर्फ 29 साल की उम्र में डेथ हो गई। ITC भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, होटल है, तंबाकू कंपनी है, इनके होटल आते हैं, इनके उत्पाद आते हैं, ITC के गुड्स आते हैं, FMCG प्रोडक्ट आते हैं। तो ITC कंपनी के चेयरमैन थे YC देवेश्वर, इनका निधन हो गया, YC देवेश्वर। रोशन तनेजा कौन थे? क्या ये एक्टर थे? नहीं, ये एक्टिंग करना सिखाते थे और भारत के बड़े बड़े एक्टर्स को इन्होंने एक्टिंग सिखाई है। रोशन तनेजा जो थे ये एक्टिंग ट्रेनर थे, ये भी काल के गर्भ में समा गए। पूर्व बिलियर्ड खिलाड़ी डेरेक सिप्पी का निधन हो गया, ये क्वेश्चन आ चुका है। डेरेक सिप्पी कौन सा खेल खेलते थे? ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी थे। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे अच्छा लॉ कॉलेज कौन सा है जहां पे कानून की पढ़ाई होती है, विधि की पढ़ाई होती है? NLU बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ये किसने शुरू करा था? NR माधव मेनन ने। तो जो एग्जाम होता है वकील बनने के लिए उसे बोलते हैं क्लैट, CLAT। क्लैट में जो रैंक वन लाता है, क्लैट का जो टॉपर होता है, और यहां पे मैं थोड़ी अपनी तारीफ करना चाहूंगा, क्लैट का टॉपर 2017 का मन गर्ग और क्लैट का टॉपर 2018 का सौम्य सिंह, दोनों मेरे स्टूडेंट थे और मेरे करंट अफेयर देखते थे। तो खैर, भारत में जो सबसे अच्छा लॉ कॉलेज है उसका जो फाउंडर है NR माधव मेनन, उनका निधन हो गया। उन्होंने भारत में आधुनिक विधि शिक्षा की शुरुआत करी, इसीलिए इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन, यानी कि आधुनिक विधि के भारत में जनक, सुपर इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी सैमूर नर्स का निधन हो गया, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सैमूर नर्स का निधन हो गया, कौन से कंट्री के खिलाड़ी थे? आंसर है वेस्ट इंडीज। तंजावुर राममूर्ति का निधन हो गया, ये मृदंगम बजाते थे, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं जो इनके हाथ में है मृदंगम बजा रहे हैं, तो मृदंगम के वाद्य यंत्र के वो थे एक्सपोनेंट तंजावुर राममूर्ति। स्पेन के खिलाड़ी काफी कम उम्र में डेथ हो गई इनकी, जोजे एंटोनियो रेस स्पेन के फुटबॉल खिलाड़ी थे। एक व्यक्ति थे जिन्हें हम बोलते थे एवरग्रीन टी मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का चाय मानव, एवरग्रीन टी मैन ऑफ इंडिया बोलते थे हम BM खेतान को, क्योंकि चाय की बहुत बड़ी कंपनी है विलियम्स एंड मैगर ग्रुप, उसके ये चेयरमैन थे, इनका निधन हो गया, ब्रिज मोहन खेतान। राकेश शुक्ला का निधन हो गया, क्रिकेट खिलाड़ी थे राकेश शुक्ला।
सुदर्शन अग्रवाल का निधन हो गया, ये कौन से भारत के राज्य के गवर्नर थे, राज्यपाल थे? उत्तराखंड। ठीक है, सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे गवर्नर थे 5 साल के लिए, 2003 से 2007। एक मोटरसाइकिल चलाने वाले ड्राइवर थे कार्लिन डन, इनका निधन हो गया, काफी कम उम्र में असामयिक मृत्यु उनकी हो गई, अकस्मात मृत्यु हो गई इनकी। तो याद रखिए, मोटरसाइकिल चलाते थे कार्लिन डन। अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति फर्नांडो डेला रुआ का निधन हो गया, फर्नांडो डेला रुआ। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर के पासवर्ड की खोज करी थी, इनका निधन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फर्नांडो कॉर्बाटो। फर्नांडो कॉर्बाटो अमेरिका के थे, फर्नांडो कॉर्बाटो। मशहूर बॉक्सर पर्नेल विटैकर का निधन हो गया, इन्हें स्वीट पी कहा जाता था, स्वीट पी, पर्नेल विटैकर। पी राजगोपाल कौन थे? एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सरवन भवन, सरवन भवन कंपनी के मालिक थे और सरवन भवन के रेस्टोरेंट पूरी दुनिया में है, तो पी राजगोपाल जो है इनकी डेथ हो गई। कैफे कॉफी डे के फाउंडर है, इन्होंने आत्महत्या कर ली, वी जी सिद्धार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्पूरी देवी का निधन हो गया, ये किस तरह की पेंटिंग बनाती थी, किस तरह की चित्रकलाएं करती थी? मधुबनी, याद रखिए मधुबनी जो पेंटिंग है पूरी दुनिया में इन्होंने इसको पॉपुलराइज करा, और जापान में तो मधुबनी पेंटिंग के लिए अलग से इन्होंने एक विद्यालय बनाया, तो कर्पूरी देवी जो है मधुबनी पेंटिंग की बहुत बड़ी ये पारंगत महिला थी। नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था साहित्य में, नोबेल प्राइज जीता था साहित्य में, टोनी मॉरिसन का निधन हो गया, ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और इनकी किताब का नाम था बिलवेड, बिलवेड, बिलवेड मतलब प्रेमी, बिलवेड। तो बिलवेड जो है उसकी ऑथर थी, नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए, इनका नाम था टोनी मॉरिसन। भारत के कीर्ति चक्र विजेता नॉल कॉलमैन का निधन हो गया, नॉल कॉलमैन जो थे जब गोवा आजाद हुआ था 1961 में, उस समय इन्होंने अपनी बहुत बहादुरी दिखाई थी, तो कीर्ति चक्र मिला था इन्हें, नेवी के, नौसेना के हीरो थे नॉल कॉलमैन। घाना के फुटबॉल खिलाड़ी जूनियर अगोगो का निधन हो गया, क्वेश्चन सीधा आएगा, जूनियर अगोगो का निधन हो गया, ये कौन से देश के फुटबॉल खिलाड़ी थे? आंसर है घाना। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस ब्राउन का निधन हो गया, याद रखिए जोजे लुइस ब्राउन जब 1986 में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस वक्त ये उसके मेंबर थे, यानी वर्ल्ड कप जीत चुके थे ये वही वर्ल्ड कप है जो माराडोना ने जितवाया था 1986 में। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नीलम शर्मा के बारे में, कि नीलम शर्मा का निधन हो गया, ये कौन थी? दूरदर्शन की ये पत्रकार थी और एंकर थी दूरदर्शन की। 3 बार ऑस्कर जीत चुके हुए एनिमेशन डायरेक्टर रिचर्ड विलियम्स का निधन हो गया, 3 बार ऑस्कर जीता है रिचर्ड विलियम्स ने, इनकी डेथ हो गई। पंजाबी लेखक निरंजन सिंह तस्नीम का निधन हो गया, इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? 24। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तेरेसिया थॉमस ये केरल की पहली महिला शिकारी थी, ज्यादातर आपको महिला नहीं दिखेंगी शिकारी, लेकिन ये केरल की पहली शिकारी थी जो महिला थी, तेरेसिया थॉमस। वॉक्सवैगन कंपनी के चीफ, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्डिनेंड पियक, रिपीट करता हूं, फर्डिनेंड पियक, ये इनका निधन हो गया, ये कौन सी कंपनी के पूर्व चीफ थे? आंसर है फॉक्सवैगन, जर्मनी की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है फॉक्सवैगन। पाकिस्तान के स्पिन बॉलर अब्दुल कादिर का निधन हो गया। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति बी जे हबीबी का निधन हो गया, अभी हैं जोको विडोडो दोबारा बन गए, पूर्व हैं बी जे हबीबी जिनकी डेथ हो गई। बोमन कोहिनूर, मुंबई में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था ब्रिटानिया, वो चलाते थे ये मुंबई में ब्रिटानिया रेस्टोरेंट, बोमन कोहिनूर का निधन हो गया, और इनके रेस्टोरेंट में बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खाना खाते थे, विदेश से भी आते थे तो इनके रेस्टोरेंट में खाना खाते थे। फॉर्मूला टू, एक फॉर्मूला वन होता है, एक फॉर्मूला टू होता है, फॉर्मूला टू की गाड़ियां चलाते थे एंथोन हुबर्ट, बेल्जियन ग्रां प्री की रेस में इनकी गाड़ी टकरा गई और डेथ हो गई, तो ये जरूर आएगा एंथोन हुबर्ट का संबंध कौन से खेल से है, फॉर्मूला टू। टूनिशिया के बहुत लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे, कम से कम 30-40 साल इन्होंने राज कराया टूनिशिया पे, जीन एल अबिडिन बेन अली का निधन हो गया, जीन एल अबिडिन बेन अली, आपको बस याद रखना है बेन अली। क्रिकेटर माधव आप्टे का निधन हो गया, क्वेश्चन आएगा माधव आप्टे का निधन हो गया, कौन सा खेल खेलते थे? माधव आप्टे खेलते थे क्रिकेट। और टूनिशिया न्यूज में क्यों था? टूनिशिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी की खोज हुई है, सहारन चींटी। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी फर्नांडो रिक्सन का निधन हो गया, ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? ये नीदरलैंड या हॉलैंड के खिलाड़ी थे। विजू खोटे, बहुत बड़े मराठी कलाकार, हिंदी फिल्में
जिन्होंने कालिया की भूमिका निभाई थी, गब्बर सिंह के साथ जो कालिया था वो ये थे, विजू खोटे शोले पिक्चर में, और रॉबर्ट जो उसकी भूमिका निभाई थी अंदाज अपना अपना पिक्चर में, वो भी यही थे, विजू खोटे। जैसी नॉर्मन ओपेरा गाती थी और 4 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी थी, तो ये पूछ सकते हैं कि जैसे नॉर्मन किस तरह की गायकी में उनको वो हासिल थी, कला वो थी, स्किल्ड थी, तो आंसर है ओपेरा, ये ओपेरा गाती थी जैसी नॉर्मन। कादरी गोपालनाथ, इनका निधन हो गया, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सैक्सोफोन बजाते थे, कादरी गोपालनाथ। जोजे जोजे, ये कौन से देश के सिंगर थे, 6 बार ग्रैमी अवार्ड नॉमिनी थे ये, मैक्सिको के, जोजे जोजे। सारा डेनियस, ये याद रखिए, नोबल प्राइज समिति जो साहित्य के लिए नोबल प्राइज समिति है, उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी सारा डेनियस, इनका निधन हो गया। क्यूबा की बैले डांसर अलिसिया अलोंसो का निधन हो गया, बैले डांसर थी क्यूबा की अलिसिया अलोंसो। कालिदास कर्माकर का निधन हो गया, पेंटर थे कौन से देश के, बांग्लादेश के पेंटर थे कालिदास कर्माकर। मार्क हर्ड का निधन हो गया, ये कौन सी बहुत बड़ी कंपनी के सह संस्थापक थे, ओरेकल, इंपॉर्टेंट। फर्नैंडो पियक भी और मार्क हर्ड दोनों इंपॉर्टेंट है, फर्नैंडो पियक फॉक्सवैगन, मार्क हर्ड ओरेकल। दादा चुगुले, दादू चुगुले ये पहलवान थे और ध्यानचंद अवार्ड पुरस्कार जीत चुके हुए व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिलीप पारिक का निधन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात के 13वें मुख्यमंत्री थे दिलीप पारिक। योगा गुरु वी ननम्मल, इनकी उम्र थी 99, इनकी डेथ हो गई, वी ननम्मल। सुली, दक्षिण कोरिया की सुपरस्टार सिंगर गायिका थी, पॉप स्टार सुली, इनका निधन हो गया और बहुत कम उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र में। सिक्वा कैपिटल कंपनी के फाउंडर डॉन वैलेंटाइन का निधन हो गया, सिक्वा कैपिटल के फाउंडर डॉन वैलेंटाइन। सो ये था सारा ओबिचुरी के क्वेश्चन का वीडियो, इससे बाहर मेरे को लगता नहीं कुछ आएगा, ऐसे तो हजारों लोग हैं जिनकी डेथ हुई है, लेकिन मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं 10 महीनों के। ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए, देखते रहिए स्टडी आईक्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी आईक्यू प्रीमियम।